हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी। दोस्तों, आप लोग को पता ही है कि मैट्रिक इंटर का परीक्षा जो है समाप्त हो चुका है। कॉपी को मूल्यांकन को लेकर काफ़ी सारे शिक्षक सर जो है हड़ताल की है। अनुरोध करते हुए कॉपी का मूल्यांकन जो है कल से स्टार्ट कर दी है। आप लोग का पूरी तरीका से जो है कॉपी जाँच हो रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा कॉपी कहाँ पर गया है, कहाँ पर जाँच हो रही है, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ। इसी वीडियो के आई बटन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या इसी वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ले देखिए। अंत में जो है स्क्रीन पर ओपन होगा, वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो यहां पर कुछ न्यूज आया है बिहार बोर्ड की तरफ से, आप लोग को बता देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं तीन स्तर पर हो रही कॉपियों की जांच। पहले क्या था कि पहले एक स्तर दो स्तर पर कॉपी जांच होती थी, अब जो है तीन स्तर पर हो रही है कॉपियों की जाँच। इससे क्या आप लोग को फायदा है और क्या आप लोग के लिए न्यूज है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट 2020 का मूल्यांकन बुधवार से शुरू हो गया है। मूल्यांकन में किसी तरह की लापरवाही ना हो, इसके लिए तीन स्तर पर कॉपियों की जांच हो रही है। परीक्षक द्वारा कॉपी जांचने के बाद उसके अंक को OMR पर अन्य शिक्षक चढ़ा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे जो है कॉपी, एक दूसरे शिक्षक जो है कॉपी जांच कर रहे हैं, एक दूसरे शिक्षक जो है आपको अंक जो है चढ़ा रहे हैं। इसके बाद कंप्यूटर पर अंकों की एंट्री की जा रही है। इससे तीन स्तर पर अंक देखे जा रहे हैं। हर तीन अंकों की सूची बोर्ड को भेजी जा रही है। आपको बता दें कि हर दिन जो है आपको कॉपी जाँच की जा रही है। हर दिन जो है आपको अंक कितना, किस कॉपी में जो है कितना अंक आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहे हैं, आपको किस कॉपी में कितना मार्क्स आया, कितना नंबर आया, उसी समय जो है आपका अपलोड किया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया है बिहार बोर्ड ने इस बार कॉपी पर परीक्षकों को अंक देने के लिए दया हिस्सा निर्धारित किया है। इस हिस्से में ही परीक्षकों को अंक देना है। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि आपको जो भी रिजल्ट आएगा 2019 से काफ़ी बम्पर रिजल्ट जो है 2020 में आने वाली है। तो आप लोग को ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है चुनाव है, चुनाव से पहले ही आप लोग को रिजल्ट मिल जाएगी। काफ़ी बम्पर रिजल्ट आने वाली है 2020 में। यहाँ पर बताया गया है इससे अंक में त्रुटि नहीं हो पाएगी। मूल्यांकन के पहले दिन कई शिक्षकों ने अपना योगदान मूल्यांकन केंद्र पर दिया। पटना जिला शिक्षा कार्यालय के माने तो मंगलवार को 1200 में से 350 परीक्षकों ने योगदान दिया है। वहीं बुधवार को यह संख्या बढ़कर 766 हो गई है। ज्ञात हो कि पटना जिले में 7 केंद्रों पर मूल्यांकन किया जा रहा है। विषयवार केंद्र बनाए गए हैं। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो बुधवार को 64% परीक्षकों ने कॉपी जांच में योगदान दिया है। तो आप जान सकते हैं कि आपका जो है कॉपी का मूल्यांकन जो पूरी तरीका से जो है कॉलेज से आपको कॉपी जांच हो रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा कॉपी कहां पर गया है, कहां पर जांच हो रही है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। आपको जो है स्क्रीन पर ओपन हो गया होगा, आप उस पर आप क्लिक करके जो है आप देख सकते। रहा बिहार बोर्ड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आया, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटे जाएगा, उसको आप ऑन करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक वंदे मातरम।